बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 5 आज हम शुरू करते हैं व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल है जिसकी बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरत पड़ती है आपको अगर आपका नेटवर्क एक्सपेंड कर रहा होता है। ठीक है, ये हमारा रफली चैप्टर नंबर 5 पे पहुँच गए हम लोग। ठीक हो गया, और मुझे पेन पकड़ लेने दें। ठीक है, व्हील एंड ट्रंकिंग प्रोटोकॉल VTPs को कहते हैं। और क्विक एक दफ़ा क्विक रिविजन कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा जिधर से हमने पीछे छोड़ा, हमने कहा हमारे पास फ्लैट नेटवर्क है। फ्लैट नेटवर्क के अंदर अगर एक पीसी, ये मेरा फ्लैट नेटवर्क है, ठीक है, और अगर फ्लैट नेटवर्क के अंदर एक पीसी जोन सा है वो ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो ब्रॉडकास्ट सबके पास चली जाती है। हमने उसको कहा क्यों ना हम अपने नेटवर्क को जोन सा है सेग्रीगेट कर लें विद इन द VLANs। तो हमने अपने नेटवर्क को वर्चुअली सेग्रीगेट कर लिया, कि हमने कहा हमने 3 VLANs बनाई, एक का नाम ए रख दिया, एक VLAN का नाम रख दिया बी, और एक VLAN का नाम रख दिया सी। ठीक है, अगर सी का कंप्यूटर ब्रॉडकास्ट करता है तो वो ब्रॉडकास्ट इधर इधर और इधर जाएगी। अब सवाल ये पैदा होता है, ये ब्रॉडकास्ट कहीं से ट्रैवल करके तो जाएगी ना, तो वो ब्रॉडकास्ट यहाँ से निकलेगी, इधर जाएगी, इधर से इस लिंक पे जाएगी, और फिर इधर सी के पीसी के पास चली जाएगी। ये जो दो लिंक्स हैं जो मल्टीपल स्विचेस को आपस में कनेक्ट कराते हैं, इस कॉल्ड अ ट्रंक लिंक्स। ठीक है, हमने जिसको कहा था कि सिस्को इन इन लिंक्स को ट्रंक कहती है, और नॉन सिस्को कंपनीज जो सी हैं, अदर जो नॉन सिस्को ऑर्गेनाइजेशन जो स्विचेस बनाती है, उन लोग उन लिंक्स को टैग्ड लिंक्स कहते हैं, टैग्ड पोर्ट्स भी कहते हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मेरा एक उर्दू IT अकेडमी से एक स्टूडेंट से वाकफियत हुई, और वो एक नेटवर्क बना रहा था HP का, और उसने तमाम लिंक्स को ट्रंक कर दिया। ठीक है, अब HP उस में ट्रंक का मतलब है ईथर चैनल। ठीक है, उसकी वो विद इन द लैन कम्युनिकेशन हो रही थी, आउट ऑफ द VLAN कम्युनिकेशन नहीं हो रही थी। अब मैंने उसे बताया, भैया ये जो ट्रंक जो CCNA में आपने पढ़ा है वो सिस्को की डिवाइसेस के साथ एज अ ट्रंक यूज़ होता है। अगर आप सिस्को से बाहर चले जाएंगे तो कभी टर्मिनोलॉजी चेंज हो जाती हैं, और ये VLAN, ट्रंक, ईथर चैनल, ये टर्मिनोलॉजी बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होती है। और मेरे ख्याल में मुझे बहुत अरसा लगा ये टैग्ड और अनटैग्ड को अंडरस्टैंड करने में, क्योंकि हम सिस्को वर्ल्ड से आए हुए थे। मगर मेरे ख्याल में अगर यूनैनिमसली यानी किसी से बायस्ड हुए बगैर एक एक नॉर्मल डिसीजन लिया जाए या वोटिंग की जाए, तो मेरे ख्याल में टैग और अनटैग पोर्ट मेक्स मोर लॉजिकल सेंस एज कम्पेयर टू सिस्को की जो स्विच एक्सेस पोर्ट होती है और ट्रंक पोर्ट होती है। ठीक है, बहरहाल हम सिस्को पढ़ रहे हैं, तो ये जो दो इंटरफेसिस होंगे जो स्विचेस को आपस में कनेक्ट करते हैं, उसके लिए ट्रंक यूज़ होती है, और ट्रंक के अंदर फिर हम लोगों ने इनकेप्सुलेशन पढ़ी। वन इनकेप्सुलेशन वॉज कॉल्ड 802.802.1Q थी, और दूसरी इनकेप्सुलेशन ISL थी, मगर ISL ऑलमोस्ट खत्म हो गई। हमने 802.1Q का फ्रेम पैकेट देखा। फिर हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा नेटिव VLAN, कि अगर ट्रंक के ऊपर कोई एक ऐसा पैकेट हो जिसके ऊपर टैग ना लगा हो, तो इसका मतलब है वो नेटिव VLAN में जाएगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रबल शूटिंग सिनेरियो आता है, कि मेरे पास जो से हैं दो स्विचेस हैं, मेरे पास दो स्विचेस हैं, और वो आपस में थ्रू द ट्रंक कनेक्ट हुए हुए हैं। ठीक है, एक साइड पे नेटिव VLAN जो से है वो VLAN 1 है, और एक साइड पे नेटिव VLAN 10 है। ठीक है, तो आपका PC जो सा है अक्सर जो सा है वो आपका PC कह रहा हूँ, आपका स्विच अक्सर एरर मैसेज दे रहा होता है कि नेटिव VLAN मिसमैच, और बहुत सारे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इस पैकेट इस इन्फॉर्मेशन को जस्ट इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, तो ये वन ऑफ द ट्रबल शूटिंग सिनेरियो भी आता है आप लोगों के पास एग्जाम के अंदर। ये हो गया हमारा क्विक रिविजन, VLAN क्या है, ट्रंक क्या है, और नेटिव VLAN क्या है। अब VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल, एक्चुअली इसको VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कहते हैं, मेरे नज़दीक इसको VLAN सिंक्रोनाइजेशन, VLAN रेप्लीकेशन, या इस तरह का कोई प्रोटोकॉल नेम होना चाहिए। भारत सिस्को ने क्यों रखा मुझे नहीं पता। अब हम सिनेरियो लेते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्विच नहीं है। ठीक है, मैंने कहा ये मेरे पास एक सॉर्ट ऑफ कोर स्विच है, ठीक है, और उसके नीचे ये एक्सेस स्विचेज हैं, और ये इस तरह एक्सटेंड होते जा रहे हैं। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल, और हर स्विच से आगे एक कैस्केड होके एक और स्विच लगा हुआ है। ठीक है, अब इस सिनेरियो के अंदर अगर आपके पास नॉर्मल मीडियम साइज नेटवर्क है, आपके पास रफली 20 स्विचेज हो सकते हैं, इससे थोड़ा सा एक्सपेंड कर जाएं, अगर थोड़ी बिगर ब्रांचेज हैं तो 50 तक हो सकती हैं, और अगर आपके पास लाइक एंटरप्राइज लेवल के नेटवर्क है जिसके अंदर 100+ स्विचेज होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, आपने इसी तरह नेटवर्क के अंदर VLANs बनाई हुई है। से फॉर एग्जाम्पल आपने एक VLAN बनाई हुई है VLAN 10, ठीक है, मैनेजमेंट के लिए, ठीक है, VLAN 20 इंजीनियरिंग के लिए, VLAN 30 सेल्स के लिए, VLAN 40 इस तरह आपके पास VLANs है। से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा मेरे पास 10 VLANs हैं, कल को हमारी कंपनी कहती है यार अब हमने ना एक और कंपनी को टेक ओवर कर लिया, और उस कंपनी का काम है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग,
तो अब आप ऐसा करो कि आप इंजीनियरिंग एक सेपरेट वीलन बनाओ ताकि हम उनके यूजर्स को कनेक्ट कर सकें। सिर्फ फॉर एग्जांपल मैं इधर ब्लू कलर ले लेता हूँ ताकि मैं इंजीनियरिंग को पॉइंट आउट कर सकूँ। ठीक है, हमने कहा हमने इंजीनियरिंग की वीलन लेनी है और ये इंजीनियरिंग के बंदे ना हर एरिए में बैठे हुए हैं। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ये एक बिल्डिंग ए थी, ये बिल्डिंग बी थी, ये बिल्डिंग सी थी, ये बिल्डिंग डी थी और बिल्डिंग ई थी। ठीक है, ई में एग्जेक्टिव्स बैठते हैं तो इंजीनियरिंग टीम में भी कोई एग्जेक्टिव होंगे, डी में डेवलपमेंट के लोग बैठते हैं, सी में कॉरपोरेट के लोग बैठते हैं, बी में बिजनेस के लोग बैठते हैं, ए में अकाउंटिंग के लोग बैठते हैं। क्या मैंने ए बी सी जोड़ दी? ठीक है, अब इंजीनियरिंग की टीम में अकाउंटिंग के जो बंदे हैं वो बिल्डिंग ए में बैठेंगे, बिजनेस के जो बंदे होंगे वो बिल्डिंग बी में बैठेंगे, कॉरपोरेट के जो बंदे होंगे या क्लाइंट्स से जो डील करते होंगे वो इधर बैठेंगे, डेवलपमेंट वाले वहाँ और एग्जेक्टिव वाले वहाँ। अब मुझे ये तमाम वीलेंस अब तमाम स्विचेस पे रोल आउट करनी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक वीलेन बनाऊँगा इंजीनियरिंग की, फिर मैं इस स्विच पे वीलेन बनाऊँगा, 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 इस स्विच पे, इस स्विच पे, इस स्विच पे, इस स्विच पे, इस स्विच पे और इस स्विच पे, और ये मेरी वीलेन बनेगी। ठीक है, क्या कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं सिर्फ यहाँ पे वीलेन बनाऊँ और वो वीलेन की इंफॉर्मेशन इन तमाम स्विचेस के पास रेप्लीकेट हो जाए? ऐसे अगर ऐसा हो जाए तो मुझे और क्या चाहिए? तो इसके लिए हमारे पास एक प्रोटोकॉल है, इज कॉल्ड अ वीलेन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। ठीक है, ये एक्चुअली ट्रंक नहीं एस्टेब्लिश करता, ये रेप्लीकेट करता है वीलेन की इंफॉर्मेशन इन टू इट्स डोमेन। अब अगर आपने कहीं पर भी वीटीपी कन्फिगर करना है तो आपके पास एक दो इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होनी लाजमी है। ठीक है, नंबर वन, आपके पास वीटीपी डोमेन कन्फिगर होनी चाहिए। ठीक है, अगर मेरे पास एक नेटवर्क है तो उसमें जितने स्विचेस उस डोमेन का पार्ट होंगे सिर्फ उनको मैं अपनी वीलैन की इंफॉर्मेशन रेप्लीकेट करूंगा, उसके अलावा मैं किसी को वो वीलैन की इंफॉर्मेशन रेप्लीकेट नहीं करूंगा। ठीक है, अगर आप हमारे ग्रुप या हमारे अलायंस में हो, ठीक है, हम आपके पास, हमारे पास जितनी वीलैन आएंगी हम भेजेंगे, बाकियों की नहीं भेजेंगे। आपके पास काफ़ी दफ़ा ऐसे सिनेरियो आते हैं कि आप कुछ स्विचेस पे वीलैन की इंफॉर्मेशन रेप्लीकेट करना चाहते हो, कुछ स्विचेस पे नहीं करना चाहते। यू कैन डू दैट एज वेल यूजिंग वीटीपी। ठीक है, उसमें वीटीपी के मोड्स आते हैं। ठीक है, वीटीपी डोमेन सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीटीपी का पासवर्ड लगाया हुआ है तो वीटीपी का पासवर्ड भी लगाना पड़ेगा। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ वीटीपी का पासवर्ड लगा दिया, ठीक है, ताकि कोई हमारी इंफॉर्मेशन स्टील ना कर सके, सिस्को पासवर्ड लगा दिया, ये बहुत सिक्योर पासवर्ड है। ठीक है, डोंट ट्राई इट एट होम, डोंट ट्राई इट एट योर नेटवर्क यूजिंग अ सिस्को पासवर्ड। ठीक है, उसके बाद वीटीपी क्या कर रहा है, वील एंड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर कर रहा है आपके लिए। ठीक है, कि अगर आपने एक स्विच पे लगा दिया तो आपके नेटवर्क पे अगर 50, 100 या 150 स्विचेज या 200 स्विचेज हैं, से रिसेंटली मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करके हटा हूँ अभी, ठीक है, वहाँ पर एक नेटवर्क के ऊपर तीन डिफरेंट लैंस थी, एक लैन के ऊपर मिनिमम 250 स्विचेज लगे हुए थे। तो एज्यूम करें अगर मुझे सुबह मेरा मैनेजर या जो भी उनकी टीम है डिज़ाइन इंटीग्रेशन की टीम, वो कहती है हमें एक वीलन रोल आउट करनी है, तो 250 स्विचेज को मैं टेलनेट करके तो वीलन बनाने से रहा। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास वीटीपी प्रोटोकॉल होता है, वो रोल आउट करता है आपके पास, हम देखेंगे वो कैसे काम करता है। अच्छा, फिर अगला पॉइंट है लेयर टू ट्रंक फ्रेम्स टू कम्युनिकेट वीलैन इन्फॉर्मेशन अमंग अ ग्रुप ऑफ स्विचेस। ठीक है, ये वीटीपी को ये नहीं समझना ये लेयर थ्री इन्फॉर्मेशन है, वीलैन की इन्फॉर्मेशन लेके जाती है, वीलैन आपकी लेयर टू इन्फॉर्मेशन है, तो ये लेयर टू की वीलैंस के अंदर फ्रेम्स बन के जा रहे हैं। हम देखेंगे कि फ्रेम का पैकेट कैसा है, आपको पता है मैं पैकेट फॉर्मेट पढ़ाए बगैर आगे जा नहीं सकता, तो ऐसी मैं ज्यादती नहीं करूँगा आप लोगों के साथ। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, मैं स्विचेस ज़रा रेड कलर में बनाता हूँ दोबारा। ठीक है, ये मैंने छोटा नेटवर्क बना दिया। ये आपस में ये यूं कनेक्टेड है और इसी तरह वैन नहीं लैन फाइबर से ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ये मेरा कोर स्विच बन गया। ठीक हो गया, ड्राइंग मेरी बहुत आला है आपको पता है। अच्छा, अब हुआ क्या, मैंने कहा मैंने वीलैन नंबर डाल दिया, से फॉर एग्जांपल वीलैन 10 डाल दी। ठीक है, हर वीलैन की अपडेट के साथ एक वीटीपी की इंफॉर्मेशन में एक वैल्यू होती है, इज कॉल्ड अ रिविजन नंबर। ठीक है, रिविजन नंबर, ठीक है, रिविजन नंबर इसके साथ ऐड हो जाता है। से फॉर एग्जांपल ये तमाम लोग, ये तमाम स्विचेज इस टाइम रिविजन नंबर 10 पे थे। ठीक है, जिस तरह मैंने एक न्यू वीलैन ऐड की, ऐड वीलैन 10, मेरी रिवीजन नंबर ऐड होगी, रिवीजन नंबर 11 होगी। अब ये सारे के सारे अपडेट करेंगे। ठीक है, ये इसी तरह जिस तरह आप लोग एंटीवायरस की पैचिंग फाइल अपडेट करते हो, 11 होगी,
अब ये सारे के सारे स्विचेस अपने आप को लेटेस्ट रिवीजन नंबर पे रखेंगे। अब इस सिनेरियो के अंदर मेरे ख्याल में मैंने अगली स्लाइड में ज़्यादा डिटेल में बताया हुआ कि वीटीपी के मोड के अंदर आपके पास डिफरेंट वीटीपी टाइप्स होती हैं, ठीक है, वीटीपी सर्वर टाइप, वीटीपी क्लाइंट और वीटीपी ट्रांसपेरर, कि आपका जो स्विच है वो एज अ सर्वर भी काम कर सकता है, एज अ क्लाइंट भी काम कर सकता है और एज अ ट्रांसपेरेंट मोड भी काम कर सकता है। वो क्या होता है वो हम अगली स्लाइड में जाके देखते हैं, मुझे दोबारा नेटवर्क बनाना पड़ेगा। ये स्विच है, सही मैं कहता हूँ मेरे पास तीन स्विचेज ये हैं, ठीक है, चार स्विचेज का नेटवर्क है। मैंने कहा जो मेरा ये वाला टॉप सर्वर है, ये जो टॉप स्विच है, इसको मैंने कह दिया ये सर्वर है, ठीक है। तो सर्वर, अगर कोई स्विच सर्वर मोड के अंदर होता है तो मैं उस पर वी लैन ऐड भी कर सकता हूँ, डिलीट भी कर सकता हूँ और मॉडिफाई भी कर सकता हूँ, ठीक है। और जैसे ही ये चेंजेस मॉडिफाई ऐड होंगे, ये इंफॉर्मेशन इस इंफॉर्मेशन को अपडेट कर देगा अपने बाकी स्विचेस पे, मगर मैं सिर्फ वी लैन एडिशन डिलीशन मॉडिफिकेशन किस स्विच पे कर सकता हूँ जो वी टी पी सर्वर है। अब सवाल ये पैदा होता है, क्या मैं अपने नेटवर्क में दो वी टी पी सर्वर रख सकता हूँ? जनाब, आप अपने नेटवर्क में 50 वी टी पी सर्वर रखें, मगर अगर आपने वी लैन ऐड करनी है तो सिर्फ आपने सर्वर पे लॉगिन होना है, किसी एक सर्वर पे लॉगिन हो जाए, वी टी पी अपडेट, वी लैन 100 नेम इंजीनियरिंग एंटर और वो पुश ऑल, ठीक है, तो वो सारों को पुश कर दे। पुश का कमांड नहीं लगानी, मैं वैसे पुश कर रहा हूँ इमोशनल होके, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास सर्वर था, मैंने वी लैन 10 यहाँ पे ऐड की, अगले दिन मैं वी लैन 20 ऐड करने लगा, मैं यहाँ पे स्विच पे लॉगिन हुआ, ये सर्वर मोड में था, मैंने कहा अच्छा वी टी पी मोड, शो वी टी पी मोड, उसने बताया सर्वर मोड है, मैंने यहाँ पे प्लस वी लैन कर दी 100 और फिर वो यहाँ से पुश कर देगा, यहाँ पे भी पुश कर देगा, यहाँ पे भी पुश कर देगा, ठीक है। तो सर्वर मोड के पास फुल कंट्रोल होता है, ऐड भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है, मॉडिफाई भी कर सकता है, एडवर्टाइज टू अदर स्विचेज, ठीक है, तमाम स्विचेस पे एडवर्टाइज करता है इन्फॉर्मेशन, सर्वर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह सर्वर के पास एक बिगर रिविजन नंबर होता है, से फॉर एग्जाम्पल, मैं अब आहिस्ता आहिस्ता ये बातें आगे पीछे मेरे पास एड अप होती जा रही हैं। ये आपका नेटवर्क था, इसमें ये सर्वर था, ये सर्वर था, ये क्लाइंट था, ये क्लाइंट था, ठीक है। अब सारे स्विचेज जो से हैं वीटीपी की रिविजन नंबर 10 पे बैठे हैं। अब जब ये सर्वर है, ठीक है, अब मैं आया, मैं लॉगिन हुआ इस सर्वर पे, मेरी अपनी मर्जी थी, मेरा मूड था आज मैंने इस सर्वर पे लॉगिन होना है, इस सर्वर जब मैं कह रहा हूँ तो यानी स्विच पे लॉगिन हुआ, मैंने एक वी लैन ऐड की और इसका रिवीजन नंबर क्या हो गया 11। अब जिस सर्वर का रिवीजन नंबर बड़ा होगा वो अपनी इन्फॉर्मेशन पुश कर देगा, ठीक है, और अगर वो इन्फॉर्मेशन पुश करेगा, जिस तरह ये सर्वर इस इन्फॉर्मेशन को रिसीव करेगा, कहेगा ओहो रिवीजन नंबर इज़ बिगर, ठीक है, तो वो उस इन्फॉर्मेशन को अपने पास अपडेट कर देगा, ठीक है। इस तरह सारे सर्वर और सारे क्लाइंट्स आपस में एक साथ अपडेट रहेंगे। क्या होगा जब मैं क्लाइंट पे बैठ के वीलैन ऐड करने की कोशिश करूंगा? क्लाइंट पे जब आप वीलैन ऐड करने की कोशिश करोगे, वो बताएगा आपका स्विच जो है वो वीटीपी मोड क्लाइंट पे, आप इसको ऐड नहीं कर सकते। लेजी नेटवर्क इंजीनियर क्या करता है, अगर उसने स्विच में लॉग इन हुआ होता है, मेरे साथ अक्सर हुआ ये, ठीक है, मेरा एक कुलीग था वो नेटवर्क पे बैठता था, उसको जब भी मैं कहता था तूने वीलैन ऐड करनी है, जाहिर चेंज कंट्रोल प्रोसेस होता था, चेंज होती थी, जो चेंज कंट्रोल अप्रूविंग टीम थी वो उसको अप्रूव करती थी, मैं उसको भेज देता था, मैं क्या यार ये इंप्लीमेंट कर दे, ठीक है। वो क्या करता था, वो जो उसको स्विच सामने नजर आता था उस पर लॉग इन होता था, उसका वी टी पी मोड जो सा है वो सर्वर करता था और उसके ऊपर वी लैन ऐड कर देता था और उसको इसी तरह सर्वर में छोड़ के आ जाता। थोड़े अरसे बाद मैंने एक दो दफ़ा नेटवर्क का ऑडिट करते हैं एवरी ईयर, हर एक बंदा जो सा है, अगर आपका बड़ा नेटवर्क है तो आप ज़रूर ऑडिट करते हो, ऑडिट की तो मेरे पास रफली 250 स्विचेज ऑन अ सिंगल साइट में 50 जो से हैं सर्वर मोड में पड़े हुए थे। नुकसान क्या था, कोई नुकसान नहीं था, कोई भी आके उस पर कोई वीलन बना देता तो वो पुश आउट हो जाती, दैट्स इट, नुकसान कोई नहीं है उसका, मगर मल्टीपल एंट्री पॉइंट्स हो गए आपके नेटवर्क में जो वीटीपी को मॉडिफाई कर सकते थे। क्लाइंट मोड नो चेंजेस अलाउड, अगर कोई स्विच क्लाइंट मोड पे आप यहाँ पे वीलन ऐड करना चाहोगे नहीं करने देगा। लिसन टू वीटीपी एडवर्टीजमेंट, यानी ये जो वीटीपी इन्फॉर्मेशन एडवर्टाइज करता है वो लिसन करता है, अपडेट रिवीजन नंबर, अपना रिवीजन नंबर अपडेट करता है, एक्ट एज अ वीटीपी रिले, अगर इस स्विच से आगे कैस्केड होकर एक और स्विच लगा हुआ है, ठीक है, जो क्लाइंट मोड में है वो उसकी इन्फॉर्मेशन उसको अपडेट कर देगा कि भैया मैंने अपने आप को अपडेट कर लिया, ये लो इन्फॉर्मेशन, अगर आप क्लाइंट मोड पे या आप भी अपडेट कर लो, ठीक है, उसकी मर्जी उसने अपडेट करना है या नहीं, ठीक है। वीटीपी क्लाइंट होल्ड लास्ट नॉन गुड कॉपी, अच्छा अब इसके अंदर एक 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 चीज़ बहुत क्लियर करने वाली है, बड़े लोगों को कन्फ्यूजन रहती है इस तरह की इन्फॉर्मेशन पे। अगर कोई स्विच क्लाइंट मोड पे है, ठीक है, और क्लाइंट मोड पे है और उस स्विच के पास से फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ कोर में 50 वीलेंस पड़ी हुई हैं, ठीक है, और ये स्विच जो है ये क्लाइंट मोड के ऊपर है,
और इसके पास भी तमाम 50 वी लैन है और उसकी रिवीजन आईडी से मैंने कहा 60 चल रही है। अब जब ये स्विच मैंने रीबूट किया तो क्या होगा, वो अपनी वी लैन की तमाम इन्फॉर्मेशन भूल जाएगा। जब बूट अप होगा वो दोबारा स्विच को रिक्वेस्ट करेगा, क्लाइंट रिक्वेस्ट कर सकता है अपने सर्वर को, वीटीपी सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा कि भैया मेरे पास वी लैन की इन्फॉर्मेशन नहीं, आप सारी वी लैन की इन्फॉर्मेशन मुझे वापस सेंड करो। ऐसा नहीं होता, स्विच जब रीबूट होने लगता है तो लास्ट नोन गुड कॉपी ऑफ वी लैन की इन्फॉर्मेशन अपने पास सेव रखता है। जब बूट अप होता है तो वो इन्फॉर्मेशन अपने पास रख लेता है और फिर वेरीफाई कर लेता है कि अगर ड्यूरिंग द बूटिंग प्रोसेस आपने कोर के अंदर कोई और वी लैन ऐड की और उसका रिविजन नंबर 61 हो गया, तो अगर रिविजन नंबर हायर होता है तो स्विच समझ जाता है ओके जिस टाइम मैं रीबूट हो रहा था उस दौरान सर्वर के अंदर किसी ने वी लैन ऐड की है और ये जो एडिशनल वी लैन ये मेरे पास मिसिंग है तो मैं मुझे ये अपने पास ऐड करनी। वो स्विच फिर अपना रिवीजन नंबर अपडेट कर देता है और उसके साथ उसके पास एक एडिशनल पैकेट रिसीव होता है जिसके अंदर वो एडिशनल वी लैन की इन्फॉर्मेशन होती है, वो अपनी डेटाबेस अपडेट कर लेता है। ठीक है, इसमें तीन चार डिफरेंट टाइप के पैकेट्स हैं, वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, पुराने सी सी एन पी स्विचिंग के अंदर वो पैकेट की टाइप नहीं थी मगर अब है। अच्छा जी, अगला मोड इज कॉल्ड अ ट्रांसपेरेंट मोड। वी टी पी का एक और मोड है जिससे हम कहते हैं ट्रांसपेरेंट मोड। ये वीटीपी प्रोसेस में हिस्सा ही नहीं लेता। वो होते हैं ना कुछ लोग जो कहते हैं हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, मगर हमें मुल्क के अंदर चेंज बहुत पसंद है मगर हमने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, हमने वोट नहीं डालना मगर हमने क्रिटिसाइज सबको करना है। एनीवे, तो ये जो अगर मेरे पास एक स्विच ऐसा पड़ा हुआ है जो वीटीपी ट्रांसपेरेंट मोड के अंदर है और स्विच मुझे जो सा है अपडेट भेजता है क्लाइंट को, क्लाइंट उसको उससे आगे ये ट्रांसपेरेंट मोड वाला स्विच पड़ा हुआ है तो वो अपडेट लेके उसको अपने पास से डिस्का अपने पास अपनी वी लैन डेटाबेस के अंदर उससे कोई इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करेगा, यानी उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन आती रहती है उसको रिसीव नहीं करता। ताहा की तरह, ताहा को माँ बाप कुछ भी कहते रहें उसने नहीं सुनना होता। ठीक है, ये हर बच्चे की आदत बन गई अब तो। ठीक है, और उसके नीचे अगर अलबत्ता एक क्वेश्चन, अगर उससे आगे कोई और स्विच पड़ा हुआ है जो क्लाइंट मोड पे है तो इसका मतलब वो कभी अपडेट नहीं होगा? नहीं, VTP जब भी ट्रांसपेरेंट मोड, VTP ट्रांसपेरेंट मोड में जो स्विच होगा वो VTP की इन्फॉर्मेशन लेके आगे फॉरवर्ड कर देगा मगर अपनी डेटाबेस को अपग्रेड नहीं करेगा। वो कहता है भैया अगर मेरे पास स्विचेस, अगर मेरे पास VLAN बनानी है, ठीक है, अगर मेरे पास VLAN बनानी है तो मैन्युअली आके इधर VLAN ऐड करो। तो इसको मैं कैसे लफ्ज़ों में एडअप करूँगा कि VTP अपनी इंडिपेंडेंट स्टैंड अलोन VLAN डेटाबेस रखता है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड में जो स्विच होगा वो अपने पास वीटीपी की इन्फॉर्मेशन स्टैंड अलोन रखेगा। तो अगर आपने कोर के अंदर एक 100 वीलैंस ऐड किया उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आपको उसके अंदर मैन्युअली जाके वीलैन ऐड करनी पड़ेगी, मगर अगर आप उसमें वीलैन ऐड करोगे वो कोई किसी को इन्फॉर्मेशन पुश आउट नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा, सिर्फ वो अपने पास लोकली वो इन्फॉर्मेशन रखेगा, दैट्स इट। तो डू नॉट पार्टिसिपेट इन वीटीपी प्रोसेस, क्रिएट वीलैन लोकली बट डजंट एडवर्टाइज इनटू वीटीपी डोमेन, कि अगर आप उसके अंदर कोई वीलैन ऐड करते हो डिलीट करते हो वो अपने पास ही रखेगा। हाँ, अलबत्ता अगर ऊपर से कोई एडवर्टीजमेंट आ रही है वीलैन की, कोई अपडेट आ रही है तो अपनी डेटाबेस पे कॉपी नहीं करेगा मगर अपने से आगे कनेक्टेड स्विचेस को दे देगा। अगर उसके आगे दो स्विचेस हैं तो वो दोनों को भिजवा देगा इन्फॉर्मेशन ताकि वो स्विचेस अपनी रिवीजन आईडी 10 से 11 कर ले और अपडेट कर ले। अच्छा, वीटीपी दो वर्जन में काम करती है। जब ये बुक लिखी जा रही थी वीटीपी वर्जन 3 भी आया, अभी हमारे पास वीटीपी वर्जन 3 है मगर वीटीपी वर्जन 3 के अंदर कुछ शॉर्ट कमिंग्स है, इसलिए सिस्को ने आपके एग्जाम से वीटीपी वर्जन 3 निकाला हुआ है अभी तक। ठीक है, उसके अंदर कुछ एडिशन पैचिंग जो भी इन्फॉर्मेशन अब एडअप होगी वो वीटीपी वर्जन 3 मैंने कहीं पे इंप्लीमेंट हुआ हुआ नहीं देखा हुआ, तो अभी तक आपके पास वीटीपी वर्जन 1 चल रहा है और वर्जन 2 चल रहा है। ठीक है, और कोशिश ये करनी चाहिए कि पूरी डोमेन के अंदर वीटीपी वर्जन सिमिलर हो, आइडियली वीटीपी वर्जन 2 चलता है। वीटीपी वर्जन 1 की एक और शॉर्टकमिंग है कि ये जो स्विच है, ये मैंने अभी तो पता नहीं स्विच के साथ क्या कुछ कर दिया, ये जो ट्रांसपेरेंट मोड का स्विच है अगर ये वीटीपी वर्जन 1 में चल रहा है और ऊपर से एडवर्टीजमेंट आ रही है तो वो उसको रिले नहीं करेगा। ठीक है, मगर अगर ये वर्जन 2 पे तो रिले करेगा। ठीक है, मेरे पास एक एक जगह ऐसे ही मौका हुआ कि हमारे पास कैटलिस्ट का बहुत पुराना 4006 स्विच पड़ा हुआ था। ठीक है, उसके आगे जो स्विच लगा हुआ था वो ट्रांसपेरेंट मोड पे था और उसके नीचे जो स्टैक में जो स्विचेस पड़े हुए थे वो क्लाइंट मोड में थे। अब हमने इधर वीलैन ऐड की और जब हमने इस स्विच में वो पीसी लगाया, ठीक है, तो वो पीसी उस वीलैन का पार्ट ही नहीं बन रहा था। उसकी वजह क्या थी कि वो ट्रांसपेरेंट मोड था और वो वर्जन 1 रन कर रहा था, उसने वो इन्फॉर्मेशन जो ऊपर से एडवर्टीजमेंट आई हुई थी उसको आगे फॉरवर्ड नहीं किया। ठीक है, सो अगर आप वीटीपी वर्जन 2 चला रहे होंगे तो वो जो ट्रांसपेरेंट मोड का जो स्विच होगा वो इस इन्फॉर्मेशन को रिले करेगा। ठीक हो गया, हमें यहाँ तक पता चल गया कि हमारे पास वीटीपी करता क्या है। वीलैन की इन्फॉर्मेशन रेप्लीकेट करता है ऑन टू योर नेटवर्क। वीटीपी के तीन मोड हैं, सर्वर, क्लाइंट और ट्रांसपेरेंट। सर्वर मोड क्या करता है कि
आप VLAN ऐड करो तो वो अपने पास ऐड कर लेता है और एडवर्टीजमेंट आगे सेंड कर देता है। क्लाइंट मोड सिर्फ उसको रिसीव करता है और उसके जरिए अपनी इन्फॉर्मेशन को अपडेट करता है। ट्रांसपेरेंट मोड इन्फॉर्मेशन आगे फॉरवर्ड कर देता है मगर अपनी डेटाबेस को अपडेट नहीं करता। ठीक है, ये तीन VTP के मोड्स हैं। अब VDP एडवर्टीजमेंट कैसे काम करती है, मगर इससे पहले मैं आपको एक थोड़ी सी हॉरिबल स्टोरी सुना दूं, स्टोरी टाइम। ठीक है, होता क्या है, VTP जो सा है ना, कुछ लोग उसे टेररिस्ट प्रोटोकॉल भी कहते हैं। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह मैं एक्सप्लेन करता हूँ, उसकी वजह मैं अपनी स्टोरी से एक्सप्लेन करता हूँ। हुआ क्या कि हमारे पास एक स्विच लगा हुआ था, ठीक है, 4500 सीरीज का। वो हमारी एक छोटी साइट का, जिसके ऊपर रफली 50 से 100 स्विचेस थे, उसका कोर स्विच था। ठीक है, उस पर जाहिर है VTP सर्वर मोड में होगा, ठीक है, और उसके ऊपर VLANs होंगी, सारी इन्फॉर्मेशन होगी। अगर आप शो रन करते हो आपको VLAN की इन्फॉर्मेशन नहीं आती, पता है आपको, और VLAN की इन्फॉर्मेशन कहाँ सेव होती है, VLAN.dat फाइल के अंदर। ठीक है, आपकी तमाम VLAN की इन्फॉर्मेशन VLAN.dat फाइल में। अगर आपने अपनी VLAN की इन्फॉर्मेशन को बैकअप करना है तो आप रनिंग कॉन्फ़िग बैकअप नहीं करते, वो VLAN.dat फाइल को बैकअप करते हो। अब हुआ क्या, हमारे पास एक और साइट के ऊपर 6500 पड़ा हुआ था। ठीक है, हमने उस 6500 को 6500 ईप से अपग्रेड किया। मैंने कहा इस स्विच को ज़रा हम अब इस साइड से उठा के दूसरी साइड पे ले जाते हैं, क्योंकि ये 4500 में हमें कुछ लिमिटेशंस आ रही थी। ठीक है, हमने स्विच उठाया, इसको दोबारा रीबिल्ड किया। रीबिल्ड करके जब हमने इस नेटवर्क में लगाया, ठीक है, इस नेटवर्क से इस स्विच को अनप्लग किया, इस स्विच को लगा दिया, तमाम अपलिंक जितने वो 50-100 स्विचेस के अपलिंक थे वो इसमें थे। ठीक है, तो थोड़ी देर बाद हमें पता चला कि ये स्विच जो सा है वो VTP सर्वर मोड में था और इसका रिवीजन नंबर आया था। उसने जो एक साइट ए की जो VLAN की इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी यहाँ पुश कर दी और हमारा नेटवर्क पूरे का पूरा बैठ गया। उसकी निशानी क्या होती है, अगर आपका स्विच है जो VTP क्लाइंट मोड में है और उस आपके इस नेटवर्क पे 10, 20, 30, 40 VLAN चल रही है, मगर इस सर्वर के अंदर कोई डिफरेंट VLAN हैं, लाइक 100, 100, 200, 300, 400, और जिस तरह ही हमने ये स्विच लगाया और ये सर्वर मोड में था और इसका रिवीजन नंबर हायर था और इसका VTP डोमेन नेम सिमिलर था, तो हुआ क्या, उसने वो जो ये वाली VLANs की इन्फॉर्मेशन थी वो इन स्विचेस में पुश कर दी और ये डिलीट कर दी। रिवीजन नंबर हायर था वो मॉडिफाई कर देगा, वो ये समझा कि सर्वर ने तमाम पुरानी VLANs उड़ा दी और नई VLANs ला दी। अब हुआ क्या, एक यूज़र से कॉल आई, ठीक है, हमने डाउन टाइम लिया हुआ था, यूजर से कॉल आई, नेटवर्क डाउन है, दूसरे से, तीसरे से, चौथे से, पाँचवें से, परेशान में दौड़ा हुआ स्विचेज में गया, स्विचेज पे ना एम्बर लाइट जल ब्लिंक कर रही थी। जब स्विच को अपनी VLAN की इन्फॉर्मेशन नहीं ना मिल रही होती तो उसकी तमाम लाइट्स ना एम्बर हो जाती हैं, ऑरेंज हो जाती हैं, ठीक है, ऑरेंज कलर की हो जाती हैं। तो इसका मतलब उसको VLAN की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही। स्ट्रेट अवे द थिंग दैट क्लिक इन माई माइंड वॉज कि हमने VLAN डेटाबेस उड़ा दी। जिस तरह हमने शो VTP स्टेटस किया, वो सर्वर मोड में था, उसका रिविजन नंबर आया था, उसने सारी सारी ऐसी तैसी फेर दी पूरे नेटवर्क की। ठीक है, तो जब भी कोई नया स्विच अपने नेटवर्क में लगाना है, मेक श्योर करना है कि आपका वो स्विच क्लाइंट मोड में हो। अगर आप सर्वर मोड में हो तो मेक श्योर कर लो। हमारे पास ये सिनेरियो क्यों हुआ, ठीक है, कुछ लोग अगर आप ईबे पे जाते हो, ईबे से स्विच बाय करते हो और वो अपने नेटवर्क में लगा देते हो, ठीक है, उसका रिवीजन नंबर हायर है, सर्वर मोड है, वो आपके नेटवर्क की तमाम VLAN इन्फॉर्मेशन डिलीट कर सकता है। मगर इसके अंदर सिर्फ एक ही चीज़ आपको बचा सकती है कि डोमेन नेम सिमिलर नहीं हो सकता। से फॉर एग्जांपल, मैं उर्दू IT एकेडमी में काम करता हूँ एंड UITA में अपना डोमेन नेम रखता हूँ, VTP का डोमेन नेम होता है। अब क्या पॉसिबिलिटी है कि मैं ईबे से स्विच बाय करूं और उसकी डोमेन नेम भी UITA लगा हुआ हो, ठीक है, उर्दू आईटी अकेडमी ने अपना स्विच सेल करके मुझे थोड़ी बेचना है, ठीक है, पॉसिबिलिटी कम है, मगर इट्स ऑलवेज अ सेफ प्रैक्टिस टू चेक द VTP स्टेटस। अच्छा, मैं क्विक ब्रेक ले लूं। वेलकम बैक। VTP एडवर्टीजमेंट। अब VLAN जब VTP जो आप कम्युनिकेट करता है सर्वर मोड में होके या क्लाइंट मोड में होके, तो एडवर्टाइज तो करता होगा ना, कम्युनिकेट कैसे करता है एक दूसरे के साथ, कैसे कम्युनिकेट करता है, तो उसके पास ना तीन किस्म के एडवर्टीजमेंट्स हैं, समरी एडवर्टीजमेंट, सबसेट एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्टेड फ्रॉम द क्लाइंट। हमें पता है ये जो समरी एडवर्टीजमेंट है वो सर्वर से आएगी, सबसेट एडवर्टीजमेंट सर्वर से आएगी क्योंकि सर्वर पर अपडेट होगी, क्लाइंट तो नहीं कर सकता ना, क्योंकि क्लाइंट के पास तो आप VLAN ऐड ही नहीं कर सकते, तो पीछे रहेगी एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम अ क्लाइंट। ये वो है जब क्लाइंट बूट हुआ और उसने अपनी रिवीजन नंबर इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी हो तो रिक्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है।
अब समरी एडवर्टीजमेंट क्या होती है, इसका मैंने पैकेट साइज जो सा है, पैकेट की इन्फॉर्मेशन जो सी है वो आगे रखी हुई है, वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। ठीक है, समरी एडवर्टीजमेंट क्या होती है, मैं यहीं पे दोबारा एक नेटवर्क बना लेता हूँ। मैंने कहा ये सर्वर है और इसके साथ ये नीचे ये स्विचेज लग रहे हैं। ठीक है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट है, ये क्लाइंट है और ये क्लाइंट है। ठीक है, अच्छा अब समरी एडवर्टीजमेंट क्या है, हर 300 सेकंड के बाद वीटीपी का जो सर्वर है वो एक समरी एडवर्टीजमेंट भेजेगा, या कब भेजेगा, अगर 300 सेकंड पूरे नहीं हुए, यानी 300 सेकंड का यह टाइमर लगा हुआ है, 300 सेकंड नहीं पूरे हुए मगर आपने एक वीलैन ऐड की है, ठीक है, प्लस वीलैन ऐड की है, ठीक है, प्लस वीलैन का मतलब वीलैन ऐड की है, तो वो फिर भी अपडेट भेजेगा समरी एडवर्टीजमेंट। इसके अंदर क्या होगा, आपका डोमेन नेम होगा, वीटीपी का रिवीजन नंबर होगा, वीटीपी का वर्जन होगा, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर होगा, टाइम स्टैम्प होंगी, MD5 होगा, यानी अगर आपने वीटीपी के अंदर पासवर्ड लगाया हुआ, ठीक है, पासवर्ड क्यों लगाते हैं, वेरी गुड पॉइंट, ठीक है, पासवर्ड हमने क्यों लगाया, ताकि हम चाहते हैं कि कोई बंदा कोई डॉजी स्विच हमारे नेटवर्क में ना ला के लगा दे और उसको पता हो हमारी वीटीपी आईडी क्या है और वो ला के और उसकी रिवीजन नंबर जो सा है वो 1500 या 500 कर दे, जो हमारे रिवीजन नंबर से बड़ा है, और वो क्या करेगा, जिस तरह ही वो वीटीपी की समरी एडवर्टीजमेंट हमारे सर्वर को भेजे, हमारा सर्वर समझेगा कि ओहो ये जो मेरा नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है उसने वीलैन किसी और सर्वर पे अपडेट की है, इसलिए मैं अब इसकी इन्फॉर्मेशन लूँगा और उसकी इन्फॉर्मेशन से अपनी वो वीलैन की डेटाबेस वाइप करके ये नई इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देगा, और जिस तरह ये अपडेट होगी तो ये बाकी स्विचेज भी इसकी बात मान लेंगे। ठीक है, इस चीज़ को बचाने के लिए हम वीटीपी के ऊपर पासवर्ड लगा देते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली मैंने बहुत कम नेटवर्क ऐसे देखे हैं जिन्होंने वीटीपी का पासवर्ड इंप्लीमेंट किया था। एनीवे, समरी एडवर्टीजमेंट क्या हुई कि जब उसने एडवर्टीजमेंट भेजी तो वो उसने बताया कि भाई ये रिवीजन नंबर है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन है। अब जिस तरह ही इस स्विच को ये एडवर्टीजमेंट मिलेगी और इसका रिवीजन नंबर से 10 था और इसको एडवर्टीजमेंट मिलती है जिसमें कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर इस नंबर से बड़ा है, तो ये सब कुछ ड्रॉप कर लेगा और अलर्ट हो जाएगा अपनी डेटाबेस को अपडेट करने के लिए, क्योंकि उसे पता चल गया कि कहीं पे सर्वर पे किसी ने वीलैन ऐड कर दिया या डिलीट कर दिया या रीनेम कर दी, कुछ हुआ है, और उसके बाद ये वेट करेगा सबसेट एडवर्टीजमेंट्स की। अब थोड़ी देर बाद स्विच जिस तरह ये समरी एडवर्टीजमेंट भेजेगा, इसके पीछे जो सी है दूसरी एडवर्टीजमेंट आएगी, ठीक है, उसका कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो ये अब सबसेट एडवर्टीजमेंट है। अब सबसेट एडवर्टीजमेंट क्या होगी, हमने वीलैन चेंज की थी, क्रिएटेड एंड डिलीटेड वीलैन और चेंजेस इन नेम, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी, जो भी नई इन्फॉर्मेशन होगी वो तमाम वीलैंस की वो दोबारा इसको देगा और ये फिर इसको 10 को काट के 11 कर लेगा और अपने पास वो तमाम वीलैंस की इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लेगा। दिस इज हाउ वीटीपी वर्क्स, कि सर्वर अपनी समरी एडवर्टीजमेंट भेजता है और उसके पीछे सबसेट एडवर्टीजमेंट है, अगर बहुत सारी वीलैंस हैं तमाम वीलैंस की इन्फॉर्मेशन भेज रहा होता है, ठीक है, मे बी मल्टीपल सबसेट एडवर्टीजमेंट से रिसीव हो रही है। जिस तरह इसके नाम से पता चलता है आप लोग खुद इंटेलिजेंट है, CCNP कर रहे हैं, एडवर्टीजमेंट रिक्वेस्ट फ्रॉम क्लाइंट, क्लाइंट रिक्वेस्ट अ वील एंड डेटाबेस इन्फॉर्मेशन, क्लाइंट बूट अप हुआ, उसने कहा जी मैं सर्वर से जो सा एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जरा वील एंड की इन्फॉर्मेशन भेज दो, तो सर्वर उसके रिस्पॉन्ड में समरी एडवर्टीजमेंट भी भेज सकता है और सबसिक्वेंट एडवर्टीजमेंट भी भेज सकता है, मगर सबसिक्वेंट एडवर्टीजमेंट नॉर्मली समरी एडवर्टीजमेंट के पीछे आ रही होती है। ठीक है, अब इस पैकेट को तो दिखाने का फायदा नहीं, ये दो पैकेट्स दिखाने के इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो सा है ये समरी एडवर्टीजमेंट है, उसमें वर्जन नंबर है, समरी एडवर्टीजमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट फॉलोइंग, कि सबसेट एडवर्टीजमेंट पीछे कितनी आ रही, पीछे एक आ रही है, दो आ रही, तीन आ रही, चार आ रही है, एक बाइट का पैकेट है पूरे ऊपर। डोमेन नेम लेंथ, आपने कोई डोमेन नेम रखा हुआ है, से उर्दू IT अकेडमी UITA, टू मेक श्योर कि अगर आप उस डोमेन का पार्ट हैं तो फिर ही अपडेट करेंगे, अदरवाइज आप इग्नोर कर दोगे। से फॉर एग्जाम्पल आपको, आप एक स्विच हो, आपको एक VTP की एडवर्टीजमेंट आती है और आपको पता है आप जी आपकी जो VTP की डोमेन है वो सिस्को है, आपको जो समरी एडवर्टीजमेंट आती है वो लिखती है UITA, यू विल जस्ट इग्नोर इट, क्योंकि आप उस डोमेन का पार्ट ही नहीं, आपको उस पर फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, से फॉर एग्जांपल आप चार मुल्कों के नेशनल, चार दोस्त हो, हर बंदा एक डिफरेंट मुल्क का नेशनल है, अगर किसी मुल्क की एक स्पेसिफिक एम्बेसी कोई लॉ इंप्लीमेंट करती है तो सिर्फ वो उसके लिए इंप्लीमेंटेड होगा, बाकियों के लिए नहीं होगा। ठीक है, फिर मैनेजमेंट डोमेन नेम, ठीक है, वही डोमेन नेम की इन्फॉर्मेशन, ठीक है, और उसके बाद कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, रिवीजन नंबर जिस तरह मैंने आपको बताया था वो 10 या 11 हम बता रहे थे, और आइडेंटिफायर, अपडेटेड आइडेंटिटी ऑपरेटिंग IP एड्रेस, जो सर्वर उसे अपडेट कर रहा है उस इन्फॉर्मेशन को, उसकी इन्फॉर्मेशन, अपडेट टाइम स्टैम्प किस टाइम पे हो रहा है, MD5 हैश और जो VTP का पासवर्ड है। ठीक हो गया,
ठीक हो गया। अब हमने यानी हमारे पास इसको क्विकली अगर हम समराइज करें, वर्जन वन है, टाइप है, नंबर ऑफ सबनेट्स है, डोमेन नेम लेंथ है, डोमेन नेम की जो फील्ड के अंदर जो लेंथ यूज़ हो रही है, सॉरी 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 सॉरी, हाँ ये डोमेन नेम लेंथ है 1 बाइट की, मगर मैनेजमेंट डोमेन नेम यहाँ पर आ रहा होगा, UITA यहाँ पर आ रहा होगा, सॉरी। ठीक है, और उसके बाद कॉन्फ़िगरिंग रिवीजन नंबर आ गया, आइडेंटिफिकेशन होगी और आइडेंटिटी होगी जिस IP एड्रेस है, अपडेट टाइम स्टैम्प जब हमने अपडेट की है, और MD5 हैश। अब उसके बाद सबसेट जो रिवीजन नंबर के बाद हमें पता चल गया हमारे पास, जी हमने एक VLAN ऐड कर दी, अब उस VLAN की एडिशनल इन्फॉर्मेशन कहाँ पर आएगी, ये फिर अगला VTP सबसेट जो पैकेट है, जो मैंने इस स्टेज पे सबसेट एडवर्टीजमेंट का जो पैकेट है वो बताया। ठीक है, उसके अंदर फिर इसी तरह वर्जन नंबर, टाइप इन्फॉर्मेशन, मैनेजमेंट मैनेजमेंट डोमेन नेम उर्दू IT अकेडमी का, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर, और फिर उसके बाद तमाम VLANs हैं। ठीक है, VLAN 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितनी भी VLANs होंगी उन तमाम की इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी। ठीक है, और ताकि वो PC अपने आप को अपडेट कर ले रिवीजन नंबर के हिसाब से। अगर आप अपनी बुक देखें तो आपके बुक के अंदर ये है, फिर उसके बाद इस VLAN के एक फील्ड के अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती वो भी होगी। ठीक है, इन शॉर्ट आपको यहाँ पर ये बताने का मकसद ये था कि अगर कोई सी सर्वर के पास कोई अपडेट आती है तो समरी एडवर्टीजमेंट भेजता है, उसके बाद सबसेट इन्फॉर्मेशन भेजता है, सबसेट एडवर्टीजमेंट भेजता है, और अगर वो एक पैकेट में नहीं आती तो चॉप करके 4-5 पैकेट्स में भेज रहा होता है। आपको कैसे पता चलेगा 5 पैकेट आ रहे हैं, नंबर ऑफ सबसेट एडवर्टीजमेंट टू फॉलो, कि अगर इसके पीछे 5 सबसेट एडवर्टीजमेंट्स आ रही हैं तो वो बताएगा। ठीक है, जब अपडेट होती है तो वो क्रिएट करके फिर आगे फॉरवर्ड करता है। उसके बाद आ जाता है VTP प्रूनिंग, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको देखेंगे और उसके बाद हम क्विकली अपनी लैब देखेंगे। अच्छा, हम लोगों ने VLAN बना ली, ठीक है, हम लोगों ने VLAN पुश कर ली, हमने उसे मैनेज करना शुरू कर दी, वेरी गुड। अब हो क्या रहा है हमारे नेटवर्क पे, ये मेरे पास सर्वर है, ठीक है, और उसके पास ये 3 VLANs लगी हुई हैं। ठीक है, सर्वर नहीं कहना चाहिए, स्विच है और उसके साथ 3 VLANs है, मगर ये स्विच जो है सर्वर मोड में। ठीक है, अब VTP प्रोनिंग इज टोटली डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये VLAN डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ये कुछ और फर्दर काम कर रहा है। अब हुआ ये कि मैंने मेरे पास स्विच के अंदर 10 VLANs थी, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 VLANs कर लेते हैं। ठीक है, 1 और 2 VLAN इधर कन्फिगर हुई है, एक्चुअली 1 नहीं करनी चाहिए, 2 और 3 VLAN इधर हुई हुई है, 3 और 4 इधर है, और 5 और 6 VLANs इधर है। अब हुआ क्या, यहाँ पर एक PC लगा हुआ था, ठीक है, ब्लू कलर, और उसने जो सा है एक ब्रॉडकास्ट की, मगर ये PC था VLAN 6 का मेंबर, और उस PC ने कम्युनिकेट करना था इस PC के साथ, PC B के साथ। क्या यहाँ पे VLAN 6 का स्विच हो सकता है, VLAN 6 का मेंबर एक PC हो सकता है, नहीं हो सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये स्विच के ऊपर VLAN 6 बनाई नहीं हमने। ठीक है, क्यों नहीं बनाई, वो डिफरेंट सिचुएशंस है। अगर हमने VTP है तो तमाम VLANs यहाँ पे पार्ट मेंबर होंगी, मगर हमने यहाँ पे किसी स्विच को, किसी PC को या किसी स्विच पोर्ट को हमने उस VLAN का मेंबर नहीं डाला, बनाया। ठीक है, तो इस बात में कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पे इस तरह VLANs है। अब जब ये PC जो सा है एक ऐसा पैकेट भेजता है जिसकी MAC एड्रेस से स्विच के पास नहीं होता, तो स्विच क्या करता है, स्विच उस पैकेट को जिस पोर्ट से वो आया उसको छोड़ के बाकी तमाम पोर्ट्स पे क्या कर देता है, ब्रॉडकास्ट कर देता है। ठीक है, वो जिसे हमने यूनिकास्ट फ्लडिंग का नाम दिया था पहले लेक्चर के अंदर, ब्रॉडकास्ट कर देता है फ्रेम को। अब एक्चुअली इस बात की क्या पॉसिबिलिटी थी कि वो जिस PC से इसने बात करनी थी VLAN 6 के अंदर वो यहाँ पर होता या यहाँ पर होता, 0%, क्योंकि हमने यहाँ पे VLANs ही यूज़ नहीं की हुई, हमने यहाँ VLANs कन्फिगर ही नहीं की किसी पोर्ट पे। तो क्या ये अच्छा ना होता कि अगर हम ये सिर्फ ब्रॉडकास्ट इन 2 पोर्ट्स पे भेजते ही ना, ताकि हमारे पास अनवांटेड ब्रॉडकास्ट ही ना होती नेटवर्क पे, हमारी ब्रॉडकास्ट यहाँ से निकलती, इस स्विच को पता होता कि मेरे आगे कितने स्विच ऐसे लगे हुए हैं जिन्होंने VLAN 6 अपने पास अलाउ की हुई है, तो हमें पता होता सिर्फ ये लिंक अपडेट है और या ये लिंक है। ठीक है, इन 2 लिंक्स पे अगर मैं ब्रॉडकास्ट भेजूँ तो मैं VLAN 6 के अंदर पड़े हुए तमाम PCs तक पहुँच सकता हूँ। ठीक है, VTP प्रूनिंग आपका ये काम करती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत कम नेटवर्क्स में कन्फिगर हुआ होता है और बहुत कम नेटवर्क इंजीनियर्स को समझ होती है, इवन CCNP करने के बाद। ठीक है, कि VTP प्रूनिंग आपका क्या करता है, मेक श्योर करता है अनवांटेड ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स ट्रंक्स पे ना जाएं। ट्रंक किसी विलन का मेंबर नहीं होता ना, तो स्विच उठाता है तमाम ब्रॉडकास्ट उसकी तरफ फेंक देता है, मगर अगर उस स्विच से वो ब्रॉडकास्ट जाने का रास्ता ही नहीं है, उस विलन
का मेंबर यानी वीलैन 6 का कोई मेंबर उस स्विच पे है ही नहीं, यानी उस क्लाइंट स्विच पे या नीचे लगे हुए स्विच पे या डाउन स्ट्रीम स्विच इसे कहते हैं, डाउन स्ट्रीम स्विच पे वो वीलैन है ही नहीं, तो मुझे वो ब्रॉडकास्ट वहाँ भेजने की ज़रूरत ही नहीं है। से फॉर एग्जाम्पल थोड़े दिनों के बाद मेरे पास एक और स्विच लगा नेटवर्क के अंदर, वो यहाँ पे था और उस पर वीलन 6 थी। अब ये पीसी जब ब्रॉडकास्ट करता है तो मेरे स्विच को, कोर स्विच को पता होगा या मेरा जो भी फॉरवर्डिंग स्विच पता होगा कि ये दो ब्रॉडकास्ट यहाँ भेजनी है मगर यहाँ नहीं भेजनी, यहाँ नहीं भेजूंगा क्योंकि मुझे पता इधर वीलन 6 कन्फिगर ही नहीं हुई। ठीक है, ये VTP प्रूनिंग काम करता है। ये VTP प्रूनिंग आप ग्लोबल कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके इनेबल कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्सिटीज है। ठीक है, आपकी बुक ने थोड़ा सा इसको डिस्कस किया है तो हम भी उसी हिसाब से चलेंगे। एवरी इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री वर्क्स ऑन द ट्रंक। ठीक है, अब होता क्या, अब मैं थोड़ा थोड़ा सा इस डायग्राम को ना क्लीन करके और एक 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 ईजियर डायग्राम बनाता हूँ। ये मेरे पास स्विच है और ये मेरे पास ट्रंक लगी हुई है। ठीक है, और इसके नीचे एक और स्विच है। ठीक है, से फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा वीलन 6 और यहाँ पे भी वीलन 6 है। अब इधर इसने यहाँ से इन्फॉर्मेशन भेजनी है। ठीक है, और यहाँ पे एक ट्रंक है और यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है और इसके पास वीलन 5 है। ठीक है, अगर वीलन 5 ब्रॉडकास्ट करेगा तो स्विच इधर भेजेगा, अगर वीलन 6 ब्रॉडकास्ट करेगा तो इधर है। अनटिल अनलेस मैं यहाँ पे भी वीलन 6 बना देता हूँ, अलाउ कर देता हूँ, किसी पोर्ट को वीलन 6 का मेंबर बना देता हूँ, इसको पता चल जाएगा और ये VTP प्रोनिंग इसको खुद ब खुद काम करती रहेगी। अगर आपने VTP प्रोनिंग इनेबल करनी है, कॉन्फिग मोड में जाए VTP सर्वर के ऊपर, VTP प्रोनिंग दैट्स इट, VTP प्रोनिंग इनेबल हो जाएगी। ठीक है, एवरी इंस्टेंस ऑफ स्पैनिंग ट्री वर्क्स ऑन द ट्रंक। अब क्या है, अगर आपके पास स्पैनिंग ट्री है और आपके VTP प्रोनिंग इनेबल्ड है तो वीलन 5 और 6 का इंस्टेंस जो सा है इस ट्रंक पे चल रहा होगा। ठीक है, अब एक और कमांड मैं ऐड करने लगा हूं। बहुत सारे लोग इस कमांड से नावाकिफ हैं और ये VTP प्रूनिंग में काम करती है। अगर मुझे पता है इस ट्रंक लिंक के ऊपर इतनी वीलेंस काम नहीं कर रही, ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस ट्रंक के ऊपर जाता हूं, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलन 6, दैट्स इट। तो इस ट्रंक के ऊपर सिर्फ वीलन 6 की इंफॉर्मेशन ट्रेवल हो सकती है, कर सकती है। अब इसको थोड़े से कॉम्प्लेक्स सिनेरियो में मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरे पास कोर स्विच थी, ठीक है, और मेरे पास से फॉर एग्जांपल 1 to 100 वीलन है। ठीक है, वन नहीं डालता मैं क्योंकि वो हमारी नेटिव वीलन है, इसको VTP प्रूनिंग स्टॉप नहीं करती। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाँ, वीलन मैनेजमेंट वीलन को, जो आपकी वीलन 1 है, उसको VTP प्रूनिंग स्टॉप नहीं करेगी। आपने VTP डिसअलाउ करो, जो मर्जी करो, वो नहीं, VTP प्रूनिंग उसकी ब्रॉडकास्ट भेजेगी, तमाम स्विचेस के पास भेजेगी। इसीलिए इट्स नॉट रिकमेंडेड टू कीप एनीथिंग इन वीलन 1। वीलन 1 को तभी हम छेड़ते ही नहीं है, वीलन 1 में किसी PC को उसका मेंबर नहीं बनाते। ठीक है, तो मैंने कहा 2 से लेके 100 तक वीलन है हमारे पास, और मेरे पास एक लिंक है यहाँ पे, ये स्विच लगा हुआ है, एक लिंक है यहाँ पे, एक स्विच लगा हुआ है, एक लिंक है यहाँ पे, एक स्विच लगा हुआ है। एक्चुअली ये एक लिंक है, इस पर पूरी बिल्डिंग है, दूसरे लिंक पे, तीसरे लिंक पे। अब इस बिल्डिंग के अंदर मुझे पता है 1, 2 से लेके 10 तक वीलेंस है। इस बिल्डिंग में जितने स्विचेज हैं, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा यहाँ पे 30 स्विचेज लगे हैं मगर मेरा सिर्फ एक लिंक जा रहा है, यहाँ पे जो है 20 स्विचेज लगे हैं मगर 11 से लेके 15 तक वीलेंस है, और इस स्विच के ऊपर 20 वीलेंस है, और यह 20 से लेके 25 तक वीलेंस है। ये वीलेन नंबर है और ये नंबर ऑफ स्विचेज हैं। अब मैं इस ट्रंक के ऊपर 100 स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेज चलाने का फायदा है मुझे, नहीं। मुझे इस ट्रंक के ऊपर तमाम वीलेंस की इन्फॉर्मेशन भेजने का फायदा है, नहीं। अगर यहाँ वीलेन 25 से कोई बंदा ब्रॉडकास्ट करता है, मुझे यहाँ ब्रॉडकास्ट भेजने का फायदा है, नहीं, क्योंकि 25 की ब्रॉडकास्ट कभी भी 2 और 10 में रीडेबल नहीं होगी, कोई यूजर ही नहीं मिलेगा उसे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं करता हूँ स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलेन, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6 और रेंज की कमांड होती है मेरे ख्याल में यहाँ पे, मुझे अभी याद नहीं है। ठीक है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अब क्या होगा, अब जिस तरह यहाँ से ये स्विच इधर ट्रैफिक फेंकने लगेगा तो ट्रंक पोर्ट रोक लेगी, कहेगी हाँ भैया बताओ ये वीलेन अलाउड है। वो देखेगी वो टैगिंग, वो याद है 802.1Q टैगिंग के अंदर टैगिंग इन्फॉर्मेशन होती है, कौन सी वीलेन की इन्फॉर्मेशन है। अगर वो वीलेन 4 का पैकेट होगा उसको जाने देगी, अगर वीलेन 5, 6, 7, 8, 9, 10 किसी का होगा जाने देगी। जिस तरह वीलेन किसी ऐसी वीलेन का पैकेट मिलेगा जो अलाउड नहीं होगी, इसको स्टॉप कर देगा, देखिए भैया आप जा ही नहीं सकते, अलाउड नहीं है। प्रैक्टिकल सिनेरियो में क्या होता है, से फॉर एग्जांपल मैं एक यूनिवर्सिटी में काम करता हूँ, यूनिवर्सिटी के नेटवर्क्स बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और यहाँ पे से फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी का कोई स्पेशलाइज्ड डिवाइस थी, से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं एक ट्रेनिंग मेन फ्रेम था, ठीक है, हमने उस मेन फ्रेम की वीलैन को दे दिया वीलैन 100, ठीक है, और हमें पता है मेन फ्रेम सारे के सारे यहीं पर होते हैं, तो मैंने इस ट्रंक के ऊपर वीलैन 100 अलाउ कर दी।
और ये मेन फ्रेम के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। थोड़े ऐसे बाद ये जो बिल्डिंग के लोग थे, से फॉर एग्जांपल ये मैंने कहा एमबीए मैनेजमेंट की टीम, मैनेजमेंट पढ़ाई जाती है यहाँ पे, इनको हमने एक मेन फ्रेम ले दिया। अब जब हमने यहाँ पे मेन फ्रेम लगाया VLAN 100 में, हमने यहाँ पे VLAN की इन्फॉर्मेशन रेप्लीकेट हुई है VTP के जरिए, हमने यहाँ VTP चलाया, सारी सब स्विचेस के पास 100 100 VLANs हैं, ठीक है, लगाया, ये कम्युनिकेट ही नहीं करता था, पिंग ही नहीं होता था। वजह क्या थी कि हमने इसके ट्रंक पे 11 to 15 अलाउ किया हुआ, तो हम क्या करेंगे, स्विच पर ट्रंक अलाउ VLAN नहीं, ऐड VLAN की कमांड करेंगे ताकि वो ऐड कर दे, ठीक है। अक्सर लोग क्या करते हैं, अलाउ VLAN 100 और वो बाकी जितनी VLANs की इन्फॉर्मेशन है वो डिलीट कर देता है, उस ट्रंक पे से 100 को ऐड कर देता है, ठीक है, बाकी लोग डिस्कनेक्ट हो जाएंगे। तो आपको उस VLAN के ऊपर वो एडिशन करनी पड़ेगी, स्विच पर ट्रंक ऐड VLAN और 100, और 100 की VLAN ऐड हो जाएगी, फिर उसके बाद आप 100 की कम्युनिकेशन इस ट्रंक से भी कर सकते हो, ठीक है। दैट्स अनदर वे, मैनुअली आप इसको VTP प्रून करते हो। इसका फायदा क्या होता है इस कमांड से, जिस तरह ही आप ये कमांड लगाते हो तो स्पैनिंग ट्री के अनवांटेड जो इंस्टेंसेज हैं वो स्टॉप हो जाते हैं, वरना आप ग्लोबली VTP प्रूनिंग की कमांड VTP सर्वर पे इंप्लीमेंट कर दें, वो तमाम क्लाइंट्स पे इनेबल कर देगा, VTP प्रून होना शुरू हो जाएगी, मगर स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेज स्टॉप नहीं होंगे। स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेज को स्टॉप करने के लिए स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN करेंगे, तो जितनी VLANs आप सिर्फ अलाउ करोगे सिर्फ उतने होंगे स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेज चलेंगे, स्विच को पता होगा कि मुझे इस लिंक से सिर्फ इतनी VLANs मिल सकती हैं, दैट्स इट, ठीक है। ये नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इंस्टेंसेज मैंने वो लिखा हुआ। ट्रबल शूटिंग VLAN, मेरे ख्याल में मैंने अभी तक लैब नहीं की तो इस जस्टिफाइबल नहीं है कि इस पे कैसे काम किया जाए। अच्छा, अब लैब कराने से पहले मैं आप लोगों को एक वार्निंग दे दूं, वो लोग जो GNS पे काम कर रहे हैं, GNS के अंदर आपको पता है स्विच सपोर्टेड नहीं है, तो आप क्या करते हो, एक राउटर रखते हो और राउटर के अंदर वो 16 पोर्ट का स्विच मॉड्यूल लगा देते हो। अब जब राउटर के अंदर 16 पोर्ट का स्विच मॉड्यूल लगाते हो तो वो कमांड्स जो सी आप स्विच पे यूज़ करते हो वो उस तरह नहीं होती। आपने अगर कोई VLAN बनानी है तो वो VLAN डेटाबेस के अंदर जाके VLAN ऐड करनी है, ठीक है। अगर आपने VTP की कमांड चलानी है तो फिर VLAN डेटाबेस के अंदर ही जाके करनी पड़ेगी। अगर आपने VLANs देखनी है तो शो स्विच डैश VLAN करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको ये कमांड्स देखनी पड़ेंगी। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब मैं प्रैक्टिस कराऊँ तो वहाँ एक्चुअली GNS से करानी चाहिए, मुझे रियल इक्विपमेंट नहीं यूज़ करना चाहिए। अभी लकीली मेरे पास भी रियल इक्विपमेंट आया हुआ है, इस वजह से मैं खुद लालच करता हूँ, क्योंकि GNS पे पहले मुझे खुद एक दफ़ा लैब देखनी पड़ती है, रियल इक्विपमेंट में मुझे देखनी नहीं पड़ती, क्योंकि इस डे इन डे आउट जॉब, ठीक है। तो अब है क्या मेरे पास, सिनेरियो क्या है कि नीचे बच्चे मेरे कार्टून देख रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे दो स्विच पड़े हुए हैं, ठीक है, ये स्विच जोन सा है इससे एक केबल निकल रही है और मेरे वायरलेस AP में जा रही है, ठीक है, और मैं इस PC पे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इस PC से कनेक्टेड हूँ यूजिंग वायरलेस, और ये मेरा अपलिंक है और ये दो स्विचेस हैं, ठीक है। एक स्विच का IP एड्रेस है 192.168.0.254 और एक का 0.253, ठीक है। मैं इन दोनों में टेलनेट हुआ हूँ, ये 2960 है और ये जो सा है मेरा 3500 है, मेरे ख्याल में XL है, ठीक है। अब मैं इन दोनों स्विचेस को टेलनेट करके और इसमें से एक को VTP सर्वर बनाऊंगा और हम देखेंगे VLAN की इन्फॉर्मेशन रेप्लिकेट होती है ये, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जी आपको 254 में लेके जाता हूँ, 2960 का स्विच है, ठीक है, बहुत मैंने कॉम्प्लेक्स इसके अंदर पासवर्ड रखा हुआ है, ठीक है, सिस्को, ठीक है, और शो VLAN, ठीक है, ये मेरे पास VLANs बनी हुई है, एक एक दो और VLANs बना लेते हैं, ठीक है, मुझे अच्छी लगती है VLAN, ठीक है। कॉन्फिग कॉन्फिग टी, ठीक है, VLAN VLAN क्या करें, VLAN 105 है, 106 करते हैं, VLAN 106 नेम कर देते हैं उसको, क्या करें, मेडिकल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट कर दिया, ठीक है, नेम सपोर्ट एग्जिट, ठीक है, ये VLAN बन गई। और अगर मैं आपको शो इंटरफेस स्टेटस दिखाऊं, ठीक है, तो ये मेरे पास तमाम VLANs हैं, ठीक है, VLAN 1 है और ये तमाम मेरे पास पोर्ट है, और मेरी जो 48 नंबर पोर्ट है, 47 नंबर पोर्ट है, 48 नंबर पोर्ट है, वो अपलिंक है, ठीक है। अगर मैं क्विकली शो CDP नेबर्स की कमांड करूँ तो मुझे दिखाएगा मेरा नेबर कौन सा है, वो कौन सा स्विच है, स्विच 2 है। अगर मैंने इस स्पेसिफिक इंटरफेस की कोई रन, इसके अंडर मैंने कौन कौन सी कमांड रखी हुई है, तो शो रन इंटरफेस FA0/48 करूंगा तो मुझे दिखा देगा कि ये डिस्क्रिप्शन है, मोड ट्रंक है, और इसकी मैंने स्पीड और डुप्लेक्स मैन्युअली सेटअप किया हुआ है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, शो VTP स्टेटस, ठीक है, ये देखो, ये VTP स्टेटस ने मुझे बताया हुआ है VTP वर्जन 2 रन हो रहा है,
कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 10 है, मैक्सिमम वी लेंथ सपोर्टेड 255 है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वी लेंथ 13 है, ठीक है, वी टी पी ऑपरेशन मोड सर्वर है, वी टी पी डोमेन नेम से इसको है। अगर दो स्विचेस का डोमेन नेम सिमिलर नहीं होगा वो एक दूसरे को अपडेट नहीं करेगी। वी टी पी प्रूनिंग मोड डिसेबल्ड है, मैं इसकी प्रूनिंग मोड इनेबल भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं आपको वी टी पी के अंदर जाना दिखाता हूँ। कॉन्फ़िग टी वी टी पी, ठीक है, क्या करना है आपने, डोमेन करना है, डोमेन, ठीक है, आप इस डोमेन का कोई भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, यू आई टी ए कर दो, उर्दू आई टी अकेडमी, अभी मैंने सिस्को किया है, सिस्को जाने देते हैं, ठीक है। अब अगर आपने इसको वी टी पी पासवर्ड करना है, आप यहाँ पे पासवर्ड लगा सकते हो, सिस्को का पासवर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। वी टी पी प्रूनिंग इनेबल करनी है, वी टी पी प्रूनिंग, ठीक है, क्वेश्चन मार्क कुछ नहीं होगा, इनेबल प्रूनिंग स्विच ऑन होगी, ठीक है। अब देखो डू शो वी टी पी स्टेटस, ठीक है, अब देख रहे हो आप यहाँ पे वी टी पी प्रूनिंग इनेबल हो गई है, ठीक है। वो लोकल अपडेटर, इसने लास्ट टाइम कहाँ से अपडेट ली, मुझे लोकली अपडेट मिली है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब हम स्विच टू के अंदर जाते हैं, ठीक है, स्विच टू 0.253 सिस्को इनेबल सिस्को, ठीक है, कॉन्फिग टी वी टी पी डोमेन, अच्छा जी, वेलकम बैक। और मैंने, मुझे याद नहीं रहा ये 35 एक्सेल है, इसके अंदर वही जिसका मैं राउटर के अंदर आपको बता रहा था, आपको वीलैंड डेटाबेस के अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है। ये बहुत पुराना स्विच है, आई होप कि आप लोगों को इस पे काम करने की ज़रूरत ही ना पड़े, इसके अंदर काफ़ी सारे बग्स हैं। वीलैंड डेटाबेस, ठीक है, एंटर, ठीक है, यहाँ पे आपने वी टी पी की कमांड चलानी है, वी टी पी, ठीक है, डोमेन, डोमेन का क्या नाम देना है, सिस्को, वी टी पी डोमेन ऑलरेडी सेट टू सिस्को, वी टी पी मोड वी टी पी क्लाइंट, ठीक है, वो वी टी पी मोड क्लाइंट, ठीक है, डिवाइस टू वी टी पी क्लाइंट मोड, ठीक है। और अगर आपने इसको ट्रांसपेरेंट करना है, ट्रांसपेरेंट कर सकते हो। वी टी पी प्रूनिंग, अब हम कोई इन्फॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी वजह क्या है, ये वी टी पी क्लाइंट में चला गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डू शो वी टी पी करूँ, वी टी पी शो वी टी पी होगा, सॉरी यार, शो वी टी पी स्टेटस, ठीक है, बोला, ठीक है। अब आप देख रहे हो वी टी पी वर्जन 2 आ गया और कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, 11, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर क्या है, 11, ठीक है, 254 सपोर्टेड 13 वी लैंस है, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वी लैंस 13 है, सर्वर मोड है, और यहाँ पे कौन सी मोड है, क्लाइंट है, और देखो वी टी पी प्रूनिंग मोड क्या हो गया, इनेबल हो गया खुद ब खुद, ये सिस्को के अंदर है सिस्को, और ये माइंड दैट डोमेन नेम जो है इस केस सेंसिटिव, ठीक है। अगर मैं इसको कहूँ शो वी लैन, तो ये वी लैन दिखाएगा मुझे, और हमने अभी कौन सी वी लैन बनाई है, वी लैन 106, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वी लैन डेटाबेस में जाके वी लैन 500, ठीक है, इन क्लाइंट मोड नो मोडिफाई अटेम्प्टेड, ठीक है, अब विलेन जो सा है 500 जो सा है वो ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे विलेन 500 ऐड करता हूँ, विलेन 500 नेम से फॉर एग्जांपल सिस्को ही दे देता हूँ, ठीक है, और अब अगर मैं यहाँ पे शो वी टी पी स्टेटस करूँ, शो वी टी पी स्टेटस, तो क्या हो गया, मेरी रिवीजन नंबर अपडेट हो गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ शो वी टी पी, नहीं, वीलैंड डेटाबेस में जाना पड़ेगा, या वी टी पी बाहर आना पड़ेगा, आई हेट 3500 एक्सेल, शो वी टी पी स्टेटस, ठीक है, क्लाइंट हो गया, नंबर ऑफ वीलैंड रिवीजन नंबर देखो 12, 14, ठीक है, एग्जिस्टिंग वीलैंड 14 हो गई। अब मैं अगर क्विकली जाके देखूँ, वो मुझे बता रहा है कन्फिग्री लास्ट, लास्ट कन्फिग्रेशन लास्ट मॉडिफाइड 192.168.0.254, अगर मैं शो वीलैंड करूँ, तो ये देखो वाला 500 वीलैन आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं चाहता नहीं यार, मुझे दो वी टी पी सर्वर्स चाहिए, तो मैं इसको वी टी पी सर्वर बना सकता हूँ, ठीक है, कैसे बनाऊँगा, वही वीलैन डेटाबेस, एक्चुअली ये कमांड आपको, अनफॉर्चुनेटली आपको ये कमांड नहीं देखनी चाहिए, आपको वो वाली कमांड देखनी चाहिए जो 3560 पे है, ये अब आपको अनडिल अनलेस आप बहुत पुराने इक्विपमेंट पे काम कर रहे हो, आपको इस कमांड को जानने की ज़रूरत नहीं है। वीलैंड डेटाबेस, ठीक है, वीलैंड डेटाबेस, अब हमने वीलैंड डेटाबेस के अंदर क्या करना है, वी टी पी, ठीक है, सर्वर एंटर, सेटिंग डिवाइस टू सर्वर, ठीक है, वीलैंड 501, ठीक है, इसे कहता हूँ नेम, मेरे ख्याल में यहाँ पे साथ ही दे सकते हैं, ठीक है, नेम जूनिपर, ठीक है,
अप्लाइड कंप्लीटेड, ठीक है। जब लास्ट टाइम मैं क्लाइंट मोड में था उसने ऐड कर दिया था मगर अप्लाई नहीं किया था, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्विकली शो वी लेंथ देखूँ तो मेरे पास 501 आ गया, शो वी टी पी स्टेटस देखूँ तो 15 वी लेंथ आगे रिविजन नंबर ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं जब यहाँ पे आऊँगा तो क्या होगा, शो वी टी पी स्टेटस, ठीक है। वी लेंथ 15 होगी, पहले कितनी थी 14, यानी वी लेंथ ऐड हो गई है, ठीक है। शो वी टी पी स्टेटस, शो वी लेंथ, ठीक है, वी लेंथ ऐड हो गई है और 501 जूनिपर आ गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इस स्विच को जो मेरा असली वाला स्विच है 2560, इसको वी टी पी ट्रांसपेरेंट मोड में ले जाता हूँ, ठीक है। कॉन्फिग टी वी टी पी मोड ट्रांसपेरेंट, ठीक है, ट्रांसपेरेंट मोड में ले गया। अब मैं कहता हूँ शो वी लेंथ, ठीक है। ये मेरे पास तमाम वी लेंथ हैं 501, वो पुरानी इन्फॉर्मेशन जो सी है वो पड़ी रहेगी, ठीक है। मैं एक और वी लेंथ बनाता हूँ, ठीक है। कॉन्फिग टी वी लेंथ 502, ठीक है। नेम इसको दे देता हूँ सिस्को हो गया, जूनिपर हो गया, एक को कहता हूँ एच पी, ठीक है। एग्जिट, ठीक है। डू शो वी टी पी स्टेटस, ठीक है। ट्रांसपेरेंट वी लेंथ है, नंबर ऑफ वी लेंथ कितनी है 16, ठीक है। डोमेन सिस्को है, ठीक है। अब इधर देखते हैं, शो वी टी पी स्टेटस क्या होना चाहिए, ठीक है। 15 ही वीलेन है, वीलेन ऐड नहीं होगी, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड में है। अब ये ट्रांसपेरेंट मोड में आ गया, अब ये ना उस डोमेन में एडिशन करेगा ना उसमें से सब्ट्रैक्शन करेगा, मगर अपनी लोकल डेटाबेस मेंटेन रखेगा, शो वीलेन, ठीक है। डू शो वीलेन, ठीक है। इसके पास आ जाएगी एचपी की वीलेन मगर इस पर नहीं आएगी। अब मैं क्या करता हूँ, अब इस स्विच पे जो सर्वर मोड में है इस पर एक वीलेन ऐड करता हूँ, देखते हैं वहाँ ट्रांसपेरेंट मोड में आएगी या नहीं। जिधर तक हमने पढ़ा है आपको पता होना चाहिए आंसर क्या है, ठीक है। मैंने कहा ये VLAN डेटाबेस, ठीक है, VLAN क्या किधर तक होगी, या 502 होगी, या मैं कहता हूँ 503, कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहता। नेम एक्सट्रीम, एक्सट्रीम, एडिट, एग्जिट, अप्लाइड, ठीक है। शो VLAN, VLAN होगी, शो VTP स्टेटस, ठीक है। रिवीजन नंबर की देते चला गया, 14 रिवीजन नंबर हो गया, वीलन 16 हो गई, शो वीलन, ठीक है। अब शो वीटीपी स्टेटस, ठीक है, रिवीजन नंबर हो गया अपडेट, और रिवीजन नंबर क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन रिवीजन नंबर 0 हो गया और वीलन 16 हो गई। अब मैं दिखाता हूँ, डू शो वीलन, आपके पास एक्सट्रीम की वीलन नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट मोड में है, रिवीजन नंबर 0 है और इसको इससे कोई सरोकार नहीं है। अब अगर आपके पास और थोड़े स्विचेस होते तो आप क्या करते, इसको ट्रांसपेरेंट मोड में कर दिया, इसको सर्वर में कर दिया और इसको दोबारा क्लाइंट में करते और आप ये देखते ये रेप्लीकेट हो रही है नहीं इन्फॉर्मेशन, ठीक है। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास अभी इस टाइम मेरे पास तीसरा स्विच नहीं है, तीसरा स्विच पड़ा हुआ है मगर मैंने अपनी सुस्ती की वजह से उसको कन्फिगर नहीं किया। अच्छा, इसको वापस आप क्लाइंट मोड में लेके जाते, इसको क्लाइंट बना देते हैं, ठीक है। शो वीलैन config t vtp vtp mode client, ठीक है। अब ये client हो गया और अब हम देखते हैं show vtp vtp status, ठीक है। अब ये client हो गया, इसके पास वो 16 की 16 VLAN होगी। जब मैं इसको show VLAN करता हूँ तो ये देखो इसके पास extreme की VLAN इसके पास रहेगी, ठीक है। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये अपने इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करता है, मगर extreme की VLAN आ जाएगी, इसके पास juniper की भी आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, मैं क्या बात बता रहा था, एच पी की वीलन बनाई थी हमने, होल्ड ऑन होल्ड ऑन, शो वी टी पी स्टेटस, ठीक है, सर्वर शो वीलन, ठीक है। एच पी की वीलन इसके पास से डिलीट हो जाएगी, सॉरी, ठीक है, एच पी की वीलन डिलीट हो जाएगी, एक्सट्रीम की वीलन इसके पास आ जाएगी, 502 वीलन डिलीट हो जाएगी क्योंकि उसने उसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इसके शो वी टी पी रिविजन नंबर रिविजन स्टेटस स्टेटस करूंगा तो ये देखें आपके पास रिवीजन नंबर 14 आ गया, बजाय इसके कि आपके पास 0 आ रहा होता, आपके पास 14 आ गया और उसने जो पुरानी वीलेन की इन्फॉर्मेशन थी उसको वाइप कर दिया और आपके पास नई वीलेन की इन्फॉर्मेशन आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास ट्रांसपेरेंट स्विच है और आपके पास कोई ऐसी वीलेन है जिसको आप होल्ड करना चाहते हो, पहले आप उसका सर्वर में ऐड करो, अदरवाइज वो वीलेन डिलीट हो जाएगी आपके पास, ठीक हो गया। वेलकम बैक, और मुझे नीचे जाना पड़ा, नीचे जाके मैंने जो स्विच नंबर 1 है उसकी पोर्ट नंबर 13 के अंदर 500 वीलैन के ऊपर एक दूसरा लैपटॉप कनेक्ट कर दिया, ठीक है। 5 एक मिनट बाद तहा इसे डिस्कनेक्ट कर दे, ठीक है। शो शो इंटरफेस स्टेटस अगर मैं करूं तो ये मेरे पास 500 वीलैन कनेक्टेड है। अब मैं क्या करता हूं, शो
वीटीपी स्टेटस करता हूँ और मैंने देखा कि ये सर्वर मोड है, मेरे पास 16 वीलैंस है और वीटीपी प्रूनिंग इनेबल हुई हुई है। अब हुआ क्या कि इस स्विच के ऊपर वीलैन 500 जो सी है वो प्लग्ड इन है, कोई पीसी 500 वीलैन का मेंबर है और 500 वीलैन की ब्रॉडकास्ट अब मेरे पास आनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं एक कमांड यूज़ करता हूँ शो इंटरफेस स्टेटस, जिससे मुझे पता चलेगा मेरे पास ट्रंक कौन सी है। मेरे पास ट्रंक है FA0/23, ठीक है, ये अप है ट्रंक। ठीक है, तो मैं कमांड यूज़ करता हूँ शो इंटरफेस FA0/23 क्वेश्चन मार्क, और यहाँ पे एक वर्ड है प्रूनिंग। ठीक है, ये इस अप लिंक की प्रूनिंग इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, प्रूनिंग इन्फॉर्मेशन एंटर करूँगा तो VLAN प्रून फॉर अ लैक ऑफ रिक्वेस्ट बाय नेबर्स। तो देखो हमारे पास 100 से 106 VLANs हैं, 150 VLAN है, 500 VLAN है, 503 VLAN है, 500 VLAN इज मिसिंग, वो प्रून नहीं हुई हुई। उसकी वजह क्या है कि मेरे पास एक ऐसा क्लाइंट है जो VLAN 500 के अंदर बैठा हुआ है। अब अगर दोबारा मैं वीडियो स्टॉप करके नीचे जाके अपने उस लैपटॉप को प्लग इन करूँ 105 में, तो वो 105 जो VLAN है वो प्रूनड VLAN से बाहर आ जाएगी। ठीक है, मैं काम करके देखता हूँ। मैंने ताहा को कहा था कि एक मिनट के बाद ही अनप्लग कर देना, मेरे ख्याल में वो कार्टून देख रहा है इस वजह से उसने अनप्लग नहीं किया। मैं क्या करता हूँ, मैं इस इंटरफेस को शट डाउन कर देता हूँ। कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/13 और शट। ठीक है, तो मैंने इस इंटरफेस को शट डाउन किया, तो मेरे ख्याल में थोड़ी देर के बाद ना इसको उस VLAN को वापस जो सी है प्रूनिंग VLAN में ले आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो इंटरफेस से अब उसको ट्रैफिक नहीं मिल रही, मगर मैं इट माइट टेक सम टाइम। ठीक है, नॉर्मली 300 सेकंड्स है, मगर डिपेंड करता है। ठीक है, मुझे ज़रा डू शो डिसेबल तो हो गया, ये देखो वाला 500 VLAN वापस जो सी है प्रूनड VLAN में आ गया। अगर आप 500 VLAN की कोई ब्रॉडकास्ट आएगी, वो ब्रॉडकास्ट मेरे स्विच नंबर 1 के पास जाएगी ही नहीं, क्योंकि उसने अपलिंक ट्रंक के ऊपर ब्लॉक कर दिया। ठीक है, अब अगर आप मैनुअल प्रूनिंग करना चाहते हो, आप चाहते नहीं यार मुझे पता है मुझे इससे ज़्यादा VLANs चाहिए ही नहीं उस लिंक पे, यानी स्विच 2 से स्विच 1 के पास ज़्यादा VLANs की इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/23 स्विच पोर्ट ट्रंक क्वेश्चन मार्क अलाउ। ठीक है, अलाउ क्या करूँगा, कौन कौन सी VLANs, मैंने कहा सिर्फ तुम अलाउ करो VLAN 100 टू 106, दैट्स इट। मैं सिर्फ उस स्विच तक VLAN 100 और 106 के दरमियान ट्रैफिक भेजना चाहता हूँ, उसके अलावा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं भेजना चाहता, दैट्स इट। अब अगर मैं इस स्विच पे VLAN 500 में कोई पीसी लगाऊंगा, वो कम्युनिकेट ही नहीं करेगा, क्योंकि जो मेरा कोर स्विच है इस टाइम वक्त तौर पे स्विच 2 मैंने कोर बना दिया, अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो वो ट्रैफिक इस स्विच तक फॉरवर्ड ही नहीं करेगा, समझ आ गई। अब इसका क्या ये मतलब है कि मैं अगर इस पे कोई VLAN बनाऊंगा तो वो VLAN भी नहीं बनेगी वहां पे, देखते हैं। ठीक है, कॉन्फिग टी VLAN, VLAN डेटाबेस। ठीक है, VLAN कौन सी बनानी है, हम देख लो, मुझे नाम भूल गया, शो VLAN कौन कौन सी VLANs हैं, 501 होगी, 503 तक होगी, अच्छा वो 504 बना देते हैं या 502 बना देते हैं। ठीक है, VLAN 502 नेम HP कर देते हैं उसको, एडिट एग्जिट। अब बोलो क्या होगा, VLAN इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, डू शो VLAN, बोला HP। ये VLAN क्यों आई, जब मैंने ट्रंक पे VLAN इन्फॉर्मेशन ब्लॉक की हुई थी, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ VTP जो सा है वो मैनेजमेंट ट्रैफिक है, VTP रेप्लिकेट होगा हर जगह, डजेंट मैटर आप उस ट्रंक के ऊपर कुछ अलाउ करो या ना करो, मगर मैं HP की VLAN यहाँ पे चला नहीं सकता। उसकी वजह क्या है, क्योंकि मैंने इधर से जो ट्रंक जो ऊपर अपलिंक था वो उस पर ट्रैफिक ब्लॉक की हुई है। से फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको शो रन इंटरफेस FA0/23 दिखाऊं, तो मैंने कौन कौन सी VLANs ब्लॉक अलाउ की हुई है, VLAN 1 देखा, VLAN 1 मैंने लिखी नहीं थी मगर बाय डिफॉल्ट अलाउ है, 1002 1005 ये भी बाय डिफॉल्ट अलाउ होती है। एक्चुअली मैंने VLAN 100 से लेके 106 अलाउ की हुई है, 106 के अलावा कोई भी VLAN अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा नहीं होगी, उसके लिए मुझे इस कमांड को मॉडिफाई करना पड़ेगा। कैसे मॉडिफाई करना पड़ेगा, ठीक है, कॉन्फिग टी इंटरफेस FA0/23 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ VLAN। ठीक है, अब ऐड की एक कमांड लगानी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ऐड नहीं करोगे कुछ और करोगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ऐड मसलन हमने कौन सी VLAN ऐड करनी थी, 500। ठीक है, अब अगर आप डू शो
run interface vlan interface fa0/23 करेंगे। क्यों भाई, ये मेरे ख्याल में एक्सेल स्विच है। ठीक है, अब 500 वीलैन अलाउ हो गया। अब 500 वीलैन में आप किसी भी पीसी को इस मेंबर इस स्विच में उसका पार्ट बना सकते हो। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा क्या चीज़ है, ट्रबल शूटिंग के पॉइंट्स आ गए। अब हम ट्रबल शूटिंग के पॉइंट देखते हैं। नेटिव वीलैन मिसमैच, अगर वहाँ पे नेटिव वीलैन कोई और है, दूसरी साइड पे नेटिव वीलैन कुछ और है, तो वो प्रॉब्लम करेगा। ठीक है, उसके अलावा वीलैन डॉट डेट फाइल, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने बहुत जगह देखी है। ठीक है, कभी ऐसा होता है, ठीक है ये वीलैन डॉट डेट फाइल आपके पास, कभी ऐसा होता है कि आपने स्विच लिया ईबे से बाय किया, फॉर एग्जांपल आप वीटीपी पे लगा रहे हो, वीटीपी नहीं चल रहा, ठीक है वीटीपी से इंफॉर्मेशन नहीं ले रहा, मैं क्या करता हूँ, डिलीट फ्लैश कॉलन वीलैन डॉट डेट, ठीक है एंटर, ठीक है और इसको रिबूट करता हूँ, खुद ब खुद ही इन्फॉर्मेशन गैदर करना शुरू कर देता है। ठीक है, हो गया। ये कभी कभी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है इसके अंदर, तो इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, मगर दैट्स वन ऑफ द हैंडी टिप। कैन नॉट ऐड अ वीलैन टू द स्विच, अगर आपका वीटीपी क्लाइंट मोड में आप स्विच पे वीलैन ही ऐड कर सकते, वीटीपी डोमेन नेम इज इनकरेक्ट, वीटीपी डोमेन नेम इनकरेक्ट हो सकता है। सिर्फ फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वीटीपी डोमेन नेम गलत दे देता हूँ, ठीक है कॉन्फ़िग टी वीटीपी डोमेन, मैं कहता हूँ UITA, सिस्को टू UITA, ठीक है। अब अगर मैं शो वीलैन करूं तो मेरे पास वो तमाम वीलैन की इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहेगी अंटिल अनलेस मुझे कोई रिवाइज ना करे, ठीक है मगर अब मेरे पास मजीद वीलैन की इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं होगी। से फॉर एग्जांपल कॉन्फ़िग टी वीलैन, आई हिट दिस स्विच, मुझे कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, वीलैन क्या बनाएं हम, अब हम बनाते हैं 1000 नहीं बनाते, 999 नेम RESTRICT रिस्ट्रिक्टेड वीलैन, ठीक है एग्जिट। अब क्या ये रिस्ट्रिक्टिव वीलैन आएगी यहाँ पे, शो वीलैन आ जाए तो मैं खुद परेशान हो जाऊँगा। ठीक है 503 आपके पास जो है वो वीलैन नहीं आई, ठीक है अगर आप शो वीटीपी स्टेटस देखोगे तो आपके पास देखो करंट रिवीजन नंबर 0 आ रहा है क्योंकि मैं UITA डोमेन का मेंबर हूँ अब, ठीक है अंटिल अनलेस मैं वहाँ से उसको चेंज करूँ UITA सर्वर को, तो फिर UITA इसको भी डोमेन नेम UITA का मेंबर बनाऊँ और इसे सर्वर कर दूँ तो फिर ये तमाम कुछ रेप्लिकेट कर देगा। ठीक हो गया, तो डोमेन नेम पासवर्ड सारा कुछ सिमिलर होना चाहिए। ठीक है अगर आप VTP पासवर्ड लगाना चाहते हो कॉन्फ़िग टी VTP क्वेश्चन मार्क पासवर्ड, ठीक है सिस्को, वेरी गुड, ठीक है सेटिंग डिवाइस वील एंड डेटाबेस पासवर्ड टू सिस्को, ठीक है अब वो वीटीपी की जो डेटाबेस है उसका पासवर्ड जो है सिस्को हो गया। अब अगर डोमेन नेम भी सिमिलर होगा तो फिर भी नहीं वो बात मानेगा, ठीक है से फॉर एग्जांपल UITA कर दिया और वीलैन डेटाबेस वीटीपी डोमेन UITA, ठीक है अब ये इन्फॉर्मेशन मैच करेगा नहीं जब तक मैं वीटीपी पासवर्ड सिस्को नहीं करता, ठीक है और VTP status, ठीक है रिविजन नंबर नंबर ऑफ वीलैंस 18 हो गया, रिविजन नंबर 0 उसने कर दिया, ठीक है शो VTP status, ठीक है इनेबल एग्जिस्टिंग वीलैन वीलैंस 17 कर दी और इधर 18 से है मेरे ख्याल में, वी नीड टू वेट अ बिट, ठीक है 253 से उसने अपडेट ली भी है, ठीक है तो वो उसको अपडेट कर देगा। क्लाइंट है मेरे ख्याल में पासवर्ड तो नहीं, मैंने कहीं गलत दे दिया, ठीक है एक वीलैन बना के देख लेते हैं, वीलैन डेटाबेस वीलैन 998 नेम EST बेस्ट, अब ले आया, ठीक है शो विनर, ठीक है
ठीक है, वो ट्रिपल लाइन भी आ गया, किस वजह से ब्लॉक था मुझे नहीं पता, ठीक है। एनीवे तो इस तरह आप लोग वीटीपी से वीलैन मैनेजमेंट कर सकते हो और प्रूनिंग से प्रूनिंग कर सकते हो। अगर आपने किसी स्विच को किसी पोर्ट में और किसी जगह डालना है तो वो वीलैन इन्फॉर्मेशन को प्रून भी करेगा, और आपने मैनुअली प्रूनिंग भी कर ली। विन एंड डोमेन नेम इज करेक्ट हो गया, अभी आपको पता चल गया किसी वजह से ब्लॉक भी हो गया। अगर आप फर्दर डिबगिंग में जाते तो पता चल जाता। वीटीपी वर्जन इज कम्पेटिबल विद अदर स्विच, दोनों पे कोशिश करें वीटीपी वर्जन 2 चलाएं। वीटीपी वर्जन 3 में कुछ एडिशंस आई हैं, उन लोगों ने कुछ वीलैंस की सपोर्ट को ऐड किया है, कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी अपडेट हुए हैं, मगर इस बियॉन्ड द स्कोप ऑफ सीसीएनपी। आपकी बुक ने भी उसको डिस्कस नहीं किया, मुझे एक्स्ट्रा जाके देखना पड़ता, मगर मैं अभी आप लोगों को ओवर बर्डन नहीं करना चाहता। इसमें भी मैंने बहुत सारे पैकेट शैकेट पढ़ा दिए हैं, ठीक है। तो अगर इस पूरे लेक्चर को समराइज करें तो हमने एक्चुअली वीटीपी पढ़ा है, ठीक है, और वीटीपी के बाद वीटीपी प्रूनिंग देखा है, वीलैन इन्फॉर्मेशन कैसे रेप्लीकेट होती है, स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउ वीलैन की कमांड देख ली, वीटीपी प्रूनिंग ग्लोबली एनेबल हो जाती है, और अगर आपका सर्वर उसको रेप्लीकेट कर दे तो तमाम क्लाइंट्स के पास वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है। नथिंग मोर टू से, मेरे ख्याल में वीटीपी बहुत हद तक हमने क्लियर कवर अप कर लिया है। खुश रहें, दुआ में याद रखिएगा, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।